सेना में भर्ती का अग्निपथ, युवाओं के लिए सुनहरा मौका, तीनों सेनाओं में बंपर भर्ती, सेना भर्ती में हुआ बड़ा बदलाव, अग्निपथ के अग्निवीर। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो डिफेंस न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। भारतीय सेनाओं के लिए मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। एक ऐसी योजना की घोषणा की है जिससे अब कम समय की सेवा में ही युवाओं को अपने जोश और देश के प्रति जज्बे को दिखाने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही युवा आगे के बेहतर करियर के लिए भी खुद को तैयार कर सकेंगे। जी हाँ, इस योजना का नाम है अग्निपथ भर्ती योजना। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 14 जून को अग्निपथ नाम की योजना शुरू करने की घोषणा की, जिसमें 4 साल के लिए सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती होगी। योजना के तहत चुने गए युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा और इसी साल करीब 46,000 युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल करने की योजना है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं इस योजना के बारे में। इस योजना के तहत देश के युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा। अग्निवीरों को सेवा के 4 वर्षों के बाद भी अन्य कई अवसर दिए जाएंगे ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रहे। इस सैनिकों को नौकरी के 4 साल बाद सेवानिधि पैकेज अग्निपथ योजना के तहत दिया जाता है। योजना के तहत भर्ती होने वाले युवकों को 4 साल के बाद सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। 25% जवान अपनी नौकरी को जारी रख सकते हैं, वो 17.5 साल से लेकर 23 साल के युवा हैं। इस योजना के तहत जवानों की ट्रेनिंग 10 हफ्ते से 6 महीने की होगी। 10वीं और 12वीं पास छात्र कर सकते हैं आवेदन। कोई अग्निवीर देश की सेवा के दौरान शहीद हो जाता है तो उसके परिवार वालों को सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपए की राशि ब्याज समेत मिलेगी। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छा भी, मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कविता मैं आपको क्यों सुना रही हूँ। दरअसल अग्निपथ शब्द इस वक्त का सबसे ट्रेंडिंग शब्द है और सरकार की अग्निपथ योजना का ये अग्निपथ टाइटल मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन की इन्हीं कविता से उठाया गया है, जो जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि हर एक अग्निवीर को कितना वेतन मिलेगा। सेना में बतौर अग्निवीर शामिल होने वाले अग्निवीर को 4 साल तक सैलरी मिलेगी। सालाना ये वेतन 4,76,000 से शुरू होकर 6,92,000 तक जाएगा। पहले साल मासिक तौर पर कस्टमाइज वेतन मिलेगा। इसके मुताबिक पहले साल हर महीने 30,000 रुपए की सैलरी होगी। इसमें से 30% यानी कि 9,000 रुपए अग्निवीर फंड में जाएगा। वहीं इन हैंड सैलरी 21,000 रुपए मिलेगी। बात दूसरे साल की करें तो दूसरे साल अग्निवीर का वेतन बढ़कर करीब 33,000 रुपए होगा। इसमें 30% यानी 9,900 रुपए सेवानिधि फंड में कट जाएंगे। बाकी बचे 23,100 रुपए हाथ में आएंगे। सेवानिधि फंड के लिए जितना पैसा अग्निवीर का कटेगा उतना ही सरकार की तरफ से भी मिलाया जाएगा। तो वहीं तीसरे साल में सैलरी और बढ़कर 36,500 रुपए हो जाएगी। अब इसका 30% यानी 10,950 रुपए सेवानिधि फंड में जाएगा और इतना ही सरकार मिलाएगी। बाकी बचे 25,550 रुपए अग्निवीर को मिलेंगे। अब बात आखिरी साल यानी चौथे साल की करें तो चौथे साल में अग्निवीर का वेतन बढ़कर 40,000 रुपए हो जाएगा। इस तहत चौथे साल में 30% यानी 12,000 रुपए सेवा निधि फंड में कटेगा। इतना ही पैसा सरकार भी मिलाएगी। इसके बाद बचे हुए 28,000 रुपए अग्निवीर को दी जाएगी। तो अग्निवीर की 4 साल की सेवा पूरी होने के बाद उसका कुल पैसा
5,02,000 रुपए जमा होगा और इतना ही पैसा सरकार की तरफ से मिलाया जाएगा। इस तरह कुल जमा रकम करीब 10 लाख होगी। इस रकम पर ब्याज भी मिलेगा जो करीब 11,71,000 रुपए होंगे। इस तरह 4 साल की सेवा पूरी होने के बाद अग्निवीर को 11,71,000 रुपए मिलेंगे। साथ ही एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, सेवा के दौरान अगर कोई अग्निवीर डिसेबल यानी दिव्यांग हो जाता है तो उसे बीमा कवर के तहत 44 लाख रुपए दिए जाएंगे। हालांकि ये राशि विकलांगता के स्तर पर निर्भर करेगी। अगर 75% विकलांगता है तो 24 लाख रुपए, 50% विकलांगता पर 25 लाख रुपए और 25% विकलांगता पर 15 लाख रुपए मिलेंगे। तो भारतीय सेना की तीनों विंग यानी थल सेना, नौसेना और वायु सेना में युवाओं को बतौर अग्निवीर भर्ती होने का मौका मिलेगा। रक्षा मंत्रालय द्वारा अग्निपथ भर्ती योजना के तहत युवाओं की भर्तियां की जाएगी, जिसमें इस साल करीब 46,000 युवा लिए जाएंगे। बतौर अग्निवीर सेना में भर्ती होने वाले युवाओं को मासिक वेतन के अलावा कई तरह की सुविधा भी दी जाएगी। हालांकि इस योजना के तहत भर्ती होने वाले युवाओं की सर्विस पीरियड सिर्फ 4 साल का होगा, पर ये 4 साल काफी ज्यादा अहम है। मौका है देश के नाम कुछ करने का और ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि कब से अग्निपथ की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, तो वो भी आपको बताते हैं। अग्निवीरों की भर्ती की प्रक्रिया 90 दिन के भीतर शुरू हो जाएगी और पहला बैच 2023 में आएगा। इसके तहत आर्मी में सिपाहियों, एयरफोर्स में एयरमैन और नेवी में नाविकों की भर्ती होगी। अभ्यर्थियों की आयु 17.5 साल से 23 साल के बीच होनी चाहिए और योग्यता की बाकी शर्तें वही रहेगी जो अभी लागू है। नई नीति के तहत अग्निवीर को बेहद तकनीकी माहौल से प्रशिक्षित किया जाएगा और उनकी ट्रेनिंग 10 सप्ताह से लेकर अधिकतम 6 महीने चलेगी। तो भर्ती प्रक्रिया को लेकर कुछ जरूरी बातें हैं, वो भी आपको बताते हैं। अग्निपथ भर्ती योजना के तहत इस साल 46,000 सैनिकों की भर्ती होगी। अग्निपथ के तहत एयरफोर्स में पहली भर्ती प्रक्रिया 24 जून से शुरू होगी। 180 दिनों में 25,000 अग्निवीरों की भर्ती होगी। 15,000 की भर्ती प्रक्रिया 1 महीने बाद शुरू होगी। भर्ती अभियान देश के सभी 773 जिलों में चलाया जाएगा। नौसेना इस योजना के तहत 3,000 की भर्ती करेगी। वायुसेना इस योजना के तहत 3,500 की भर्ती करेगी। तो ये जो मैंने आपको आंकड़े बताए, ये बस 1 साल की भर्ती प्रक्रिया की है। बाद में इसमें इजाफा भी किया जा सकता है। अग्निपथ या टूर ऑफ ड्यूटी नीति के चलते युवाओं को देश की सेवा करने और राष्ट्र निर्माण में योगदान करने का अनूठा अवसर मिलेगा। साथ ही इसकी वजह से देश की सेना, देश के युवा और ज्यादा और जवान होंगे। वाकई अग्निपथ भर्ती योजना एक क्रांतिकारी पहल है। सरकार की इस योजना से उन युवाओं का सपना पूरा होने की उम्मीद है जो कम समय के लिए ही सही लेकिन एक बार आर्मी में जाकर देश की सेवा करना चाहते हैं। तो देश के युवा हो जाइए तैयार कुछ कर गुजरने के लिए, देश का नाम रोशन करने के लिए। आज के हमारे खास शो डिफेंस न्यूज में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। मैं राजनीति करता नहीं पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूँ। मैं लोगों के बीच रहता हूँ, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूँ। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूँ। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूँ। ना कोई दौड़ ना कोई रेस, कैपिटल टी उत्तर प्रदेश।